हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ रीमन इंटीग्रल का पार्ट 22। इससे पहले आप समझ ही सकते हैं 21 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें हमने न्यूमेरिकल को जाना, कई तरह से इम्पोर्टेंट थ्योरम्स का भी प्रूफ बहुत ही आसान तरीके से किया। उसी के आगे से लेकर आया हूँ ये दो थ्योरम्स, इसमें मैं कराने वाला हूँ। और मैं बता दूं, ये जो थ्योरम्स मैं करा रहा हूँ, ये फंडामेंटल थ्योरम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फंडामेंटल मेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से संबंधित है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, इससे फर्स्ट थ्योरम में डाल चुका हूँ इसकी, वो 21 पार्ट में। इस पार्ट में मैं दो दूसरी और तीसरी थ्योरम्स का हम प्रूफ देखेंगे। किसी किसी ऑथर में, मतलब ऑथर कहता है कि ये जो है फंडामेंटल की फर्स्ट थ्योरम है। कौन सी है? जो दोनों मिलाकर के फर्स्ट थ्योरम बताया गया है, यानी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, और जो चौथी पांचवी थ्योरम्स है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है, उसमें बताया गया कि वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, उन्हें उन्हें बोला गया है। इसलिए कोई सी भी, हमें तो थ्योरम से बदलाव है, इसलिए हमें एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं इन पर आधारित, तो हमें थ्योरम्स लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि फर्स्ट थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम से। आप क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये होता है ना। इसलिए आपको क्या है, थ्योरम इसका प्रूफ देखेंगे हम। एक बार फिर से, आगे समझ में नहीं आया होगा तो ये कह रहा हूँ मैं कि यदि एग्जाम्पल आता है, आप जिस थ्योरम से आप एग्जाम्पल लगा रहे हैं, जिस सवाल पे आधारित, तो आपको उसी का स्टेटमेंट लिखना है। ऐसा नहीं करिएगा कि वाई फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ऐसा नहीं। क्योंकि फंडा किसी किसी बुक में अलग अलग बोल दिया गया है, किसी किसी में फंडामेंटल थ्योरम को, जैसे 2 और 3 को फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बोल दिया गया, और जो फोर्थ एंड फिफ्थ थ्योरम है उनको बोल दिया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। जो चौथी और पांचवी फंडामेंटल थ्योरम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उस पर आधारित बहुत अच्छे सवाल लगाए जा सकते हैं, जो कि अदरवाइज केसेस में कठिन होती हैं। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे, प्रूव करेंगे बारी बारी से। आसान है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जो कहे पहले उसको देखो। अब देखो, इसमें एफ है कॉन्टीन्यूअस कह दिया उसने, क्या कह दिया है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बोल दिया है। जब कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बोल दिया, तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है कॉन्टीन्यूअस की, वो देखिएगा आप। तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, अब फिर यहाँ पर देखना है। तब डेरिवेटिव भी देखना है, तो डेरिवेटिव की पहले जो हमें देखना है उसकी डेफिनेशन देखो। ये क्या है, डेरिवेटिव है प्रिमिटिव फंक्शन के, कहें तो जी मैं बता चुका हूँ, प्रिमिटिव फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। यदि वो आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में या लिंक आई वाले बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ स्पष्ट से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रिमिटिव यानी कि डेरिवेटिव दे रहा फंक्शन का। ठीक है, तो हमें पहले का ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान में रखना है। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच लिमिट ले लेते हैं, तो यही तो होता है फॉर्मूला, एच टेंस टू 0। तो हमें क्या है, मतलब ऐसा बनाना है ना। अब ऐसा बनाना है, तो देखो सेंस लगाएंगे, कोई भी थ्योरम्स आपको कठिन नहीं लगेगी। अब यहाँ पर सेंस लगाइएगा, तो हमें कॉन्टीन्यूअस दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, जी हमें ऊपर ये लाना है, तो ये देखना पड़ेगा कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशंस क्या होती है। माइनस का एफ ऑफ एक्स लेस एफ साइलन, और यदि यूनिफॉर्मली का है तो ये इस टाइप से हो जाती है, मॉडुलस ले लेती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, ये कंडीशन लानी है, तो इसमें हमें क्या, इसमें यूनिफॉर्मली की डिस्क बात ही नहीं चली, क्योंकि ये रीमन इंटीग्रल फंक्शन नहीं दिया है। इसमें देख रहे फंक्शन रीमन इंटीग्रल और साथ में कॉन्टीन्यूअस भी है, तब हमें ये प्रूव करना, तो यही थोड़ा डिफरेंस है थ्योरम्स में, है दोनों एक ही तरीके की है। तो यहाँ पर हमें ऐसा बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स
लेस एप्साइलन जी हमें दिया गया है ना, तो हमें ये दिया गया है, फिर क्या है थोड़ा सा करके ऐसा हम बना लेंगे तो हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान थ्योरम से हम देखेंगे इसका प्रूफ करेंगे, इसका हम प्रूफ करेंगे तो लेट मान लेंगे, इंटरवल मान लेंगे, लेट माना, एफ हमारा क्या है, एफ क्या है वी द फर्स्ट सेकंड थ्योरम कर रहे हैं, पहले प्रूफ हम वी द कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन किसमें ए कॉमा वी इंटरवल में है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं बोला उसने कि ये रीमन इंटीग्रल है बस, और इसमें रीमन इंटीग्रल बोल दिया, देख रहे हैं स्टेटमेंट दोनों का लगभग लगभग सेम है, खाली इतना है तो बस इतनी में मॉडुलस आ जाएगा ये, बाकी सेम हमारी थ्योरम्स का प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है, अब देख रहे हैं हमें एक्स प्लस एच और लाना, तो क्या करेंगे एक हम पॉइंट मान लेंगे, नाउ चूज, नाउ चूज चूज कर लेंगे हम, वो चूज क्या करेंगे एच, एच जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हम ले रहे, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ले रहे हैं तो वो मान लिया सच डेट, मान लिया एक्स प्लस एच है जो बिलोंग्स कर रहा है इस इंटरवल के अंतर्गत, हमने मान लिया इतना मान लिया, तो हमें क्या करना है अब क्या लाना है, एफ ऑफ जी वाला लाना है, ठीक है ये कैपिटल है तो अब ये लाना, ये तो हमने बताया है खाली याद रखने का तरीका, तो हम सेंस लगाएंगे हमें क्या लाना, फंक्शन हमारा इस रूप में डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना हमें, तो देखो फंक्शन हमारा इस रूप में है तो एक्स की जगह पे क्या ले रखना है एक्स प्लस एच, यहाँ तो टी है तो मतलब सेम आएगा, खाली जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, इंटीग्रेशन ए टू एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा डी टी, इसी प्रकार माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स तो ज्यो का त्यों है तो एफ ऑफ सॉरी यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ये आ गया होगा समझ में, क्या किया एफ ऑफ एक्स प्लस लाना है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूअस दिया गया, कॉन्टीन्यूअस की यही तो डेफिनेशन बनाते हैं हम, तो इसको लेकर के हमने इसको सॉल्व किया, जिस अनुसार फंक्शन हमारा डिफाइंड है वो वैसा हमने रख दिया इंटीग्रल फंक्शन, इतना कर लिया। अब बस इसको हमें हल करना है, तो आप देखिए अब यहाँ से समझ लीजिए ए टू ए है, अब ये हम यदि लिमिट चेंज कर दें ए टू एक्स प्लस का एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस, ये लिमिट चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। अब कोई हमारा एरिया है हमारा ये जो रहेगा, अब वो फंक्शन हमारा इस रूप में है, ठीक है, और ये हमारा ए है और ये बी है, ये हमारा इस रूप में है, ठीक है। अब इसके अनुसार यदि हम माने तो ये मान लिया हमारा एक्स प्लस का एच है, और ये मान लिया हमने यहाँ से यहाँ पर एक्स मानेंगे क्योंकि यहाँ से जुड़ेगा, और ये हमने मान लिया एक्स प्लस एच है, अब यहाँ पे ए एरिया है मान लिया इस रूप में ये कटा है, अब लिमिट कैसे ली गई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट यहाँ से ले लें तो बात तो वही है, कोई वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये हम निगलेक्ट करके हमारा क्या आ जाएगा जी, सीधे सीधे हमारी लिमिट जो है एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस का एच एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा ये जो हमने सॉल्व किया है एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे, इतना करने के पश्चात देखेंगे इतना कर लेंगे तो अब हमारा क्या है ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ इज क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस ऑन किस में ए कॉमा बी में है, तो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए नंबर, और हमें कॉन्टिन्यूस है मान लिया वो किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूस है, तो वो मान लिया कि वो नंबर हमारा क्या है सी है, इन दी इंटरवल
इन दी इंटरवल इंटरवल एक्स कोमा एक्स प्लस का एच, इस इंटरवल में मानेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में क्या लिमिट बनी, एक्स से एक्स प्लस एच बनी है, तो सच डेट क्या हो जाएगा, सच डेट उसको एक क्वेश्चन दिया था, हम इसको ले रहे हैं एक्स से एक्स प्लस एच, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें, एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो यहाँ पर लिया है इसका फंक्शन हमें रखेंगे, तो हमारी एक थ्योरम्स होती है, यहाँ पर लिखेंगे वाई थ्योरम्स। अब इसमें एक थ्योरम्स आर्टिकल होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि हमारे वो यहीं भी हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा जिस टाइप से होती है, और यहाँ पर जितना इंटरवल होता है वो तो हमारा ये आ जाता है। अब जिस पर हमारा जो कॉन्टीन्यूअस रहता है फंक्शन, उस कॉन्टीन्यूअस जिस पॉइंट पर रहता है वो हमारा फंक्शन के रूप में आ जाता है, तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो हमारा ये निकल के आ जाता है। आगे होगा समझ में, कैसे हमारे पास है, जब जिस टाइप की कंडीशंस बन रही हो तो एक हमें थ्योरम्स होते हैं या बीनोडेट हम जानते हैं, तो क्या है जब ये कॉन्टीन्यूअस है हमारा किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस रहता है, तो हमारे पास जो इंटरवल रहता है वो एज बाहर निकलता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर जो यहाँ से हम देख रहे हैं सेम जी रहता है, तो यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर हम देखते हैं फंक्शन को देख लेते हैं, तो वो हमारा पॉइंट आ जाए के रूप में फंक्शन आ जाता है, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी समझ में, ये हमारा आ गया, तो इस इक्वेशन को हम सेकंड कह देंगे, ये मान हम वहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कह देंगे, तो हमारा क्या सॉल्व कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना आ गया हमारा, एच इंटू एफ ऑफ सी, इतना आ गया। अब हमें क्या डेरिवेटिव लाना है, डेरिवेटिव लाना है तो जाहिर सी बात हमें क्या लेना पड़ेगा, ये तो डिवाइड में आ गया, लिमिट लेनी पड़ेगी, तो क्या कर लेंगे, नाउ टेक, जब हम लिमिट ले लेंगे एच टेंस टू जीरो, नहीं हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं, देन तब एच टेंस टू जीरो लेंगे, देन तब हमारी लिमिट क्या बनेगी, सी टू एक्स बन जाएगी, इसको हम डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये डिवाइड में एच, और यहाँ पर हम देखेंगे तो लिमिट, अब यहाँ पर क्या सी के लिए लगेगी लिमिट हमारी, तो सी के लिए लिमिट हमारी क्या लग जाएगी, लिमिट ले रहे हैं तो एच टेंस टू जीरो, चलो यही हम एक बार ले रहे हैं आपको कन्फ्यूजन ना रहे तो, है ना, तो एफ ऑफ सी इतना आ जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया। और ये अब ये देखना है, ये अभी तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें सी की, हमें सी है यहाँ पर, सी के लिए बनाएंगे तो हमारे सी के लिए क्या बन जाएगी लिमिट, देखेंगे तो सी टेंस टू एक्स एफ ऑफ सी, क्योंकि सी के लिए हमें बनाना है, तो सी के लिए लाना है, लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एज एफ इज क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूअस है जी, हमने क्यों किया, क्योंकि जो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, जब कॉन्टीन्यूअस है तो हम लिमिट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे अभी एच की लिमिट है तो सी की लिमिट हम ले लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं डेरिवेटिव है, तो हमारी जो थ्योरम्स का स्टेटमेंट था वो हम क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, जी हमारा क्या बन गया, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स, और जी हमारा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, यही जो हमें क्या करना था वो प्रूफ करना था, तो हम कह देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी में, ठीक है, तो हम कह देंगे हेंस एफ डैश ऑफ एक्स बराबर स्मॉल एफ ऑफ एक्स एज सॉरी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक साथ हमने ये लिख दिया, तो हमारी जो थ्योरम्स है वो सेकंड थ्योरम्स प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे इसका थर्ड थ्योरम्स कैसे प्रूफ करना, सेम है, खाली हमारा जो अभी हमने इस टाइप से किया उसमें मॉडुलस लेकर के हम सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है।
ठीक, इतने इस प्रकार से हमने इसका प्रूफ देखा। मुझे लग रहा है कि आपको इस स्टेटमेंट में जो है डाउट आ रहा होगा, तो चलो मैं इस थ्योरम्स का भी यहाँ पर डिस्कशन कर दे रहा हूँ। वो थ्योरम्स हम प्रूफ करके करा भी दिए मैंने, इसलिए मैं बताना उचित नहीं समझा समझ रहा था। ए से वी एफ ऑफ एक्स, वो क्या है हमारी थ्योरम? जो थ्योरम है ए से वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर में हमारा आया था बी माइनस का ए एफ ऑफ सी। ये थ्योरम्स में है ना जो प्रूफ करा चुका हूँ, जहाँ पे सी जो होता है वो बिलोंग्स कर रहा होता है ए से वी में। ठीक है, अब इस थ्योरम्स को मैं प्रूफ करा चुका हूँ आपके, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इससे रिलेटेड जो थ्योरम है, तो वो आप देख सकते हैं। इसका नाम पता है मैंने क्या लिया था वहाँ पर? मीन्स थ्योरम थी हमारी, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ये हमारी कौन सी, यहाँ पर लिख सकते हैं वाई फर्स्ट मीन थ्योरम, वाई फर्स्ट मीन वैल्यू और लिख लेंगे थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम्स का उपयोग यहाँ पर किया गया है। इस थ्योरम्स में हम करेंगे तो बी माइनस ए है, मतलब क्या बी माइनस ए, तो यहाँ पे ए से बी तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन इसके अनुसार क्या बनेगा, एक्स प्लस का एच माइनस का एक्स हो जाएगा और यहाँ पर एफ ऑफ सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एच इंटू एफ ऑफ सी। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लिख लीजिएगा साइड में, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये प्रूव किया है। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, तो हमारी ये थ्योरम रही। अब आप इस थ्योरम्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर खाली रीमन इंटीग्रल बाकी हमारा सेम है, वहाँ पर था एक्स पॉइंट, तो वहाँ पे आया था एफ ऑफ एक्स जीरो बराबर में एफ ऑफ एक्स, ये आया था ना, है ना, मतलब एक्स जीरो की जगह पे एक्स आया था, और यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना है तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, एक तरह से देखा जाए सेम है, खाली यहाँ पर रीमन इंटीग्रल उसने बोल दिया साथ में। कॉन्टीन्यूअस तो है फंक्शन, साथ में क्या है वो रीमन इंटीग्रल भी है। ठीक है, जब रीमन इंटीग्रल है तो हम इसे यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशन लगा करके इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देखेंगे कैसे, सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस हमारा एफ इज क्या है कॉन्टीन्यूअस एट किस पर है हमारा एक्स जीरो पर, फॉर गिवेन एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन बनाएंगे, फॉर गिवेन एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट एज डेल्टा ग्रेटर जीरो, देन तब सच डेट हमारी डेफिनेशंस क्या बनेंगी। सेम वैसे ही डेरिवेटिव बनाना है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच की लिमिट ले लेते हैं एच टेंस टू जीरो बराबर होता है डेरिवेटिव के, है ना। इसको यदि खोलें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसका, तो वो क्या बनेगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच लिखा है जी, है ना, तो ये हमें बनेगा। तो इसी को हमें क्या करना है, निकालेंगे तो डेफिनेशंस क्या बनेंगी इसकी, तो ये हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखेंगे तो एक्स जीरो प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो, अब हाँ यहाँ पर एक्स जीरो तो यहाँ पर जी एक्स जीरो भी लिख लेंगे। ठीक है, ये है, ये बनेगी इसकी डेफिनेशन। तो इसको पहले तो हल करना पड़ेगा ना कॉन्टीन्यूअस, ये वाला तो इसकी लिमिट फंक्शन किस रूप में हमारा डिफाइंड है वैसे ही, तो ये है और यहाँ पर एक्स जीरो प्लस एच, तो मतलब एक्स जीरो प्लस का एच एफ ऑफ पी डी टी माइनस ए टू एक्स जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी इतना आ जाएगा। अब बस मैंने फिर वही चेंज करेंगे, इसकी डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एफ ऑफ टी डी टी माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज कर रहे हैं एक्स जीरो टू ए एफ ऑफ टी डी टी। अब हम मैंने बताया एक साथ कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स जीरो प्लस का एच एफ ऑफ टी डी टी। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कह दिया, जिस जैसा उसमें किया था इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब हम क्या कर देंगे, इसमें मॉडुलस ले लेंगे और एच करके ये आ गया, इसमें डिवाइड में एच एच लगा देंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सेंस लगाइएगा, वो सेंस क्या, इसको यदि उस साइड ले जाएं तो यहाँ पर वैसा बनाएंगे नाव,
ना अब हमें क्या करना, इसको उस साइड ले जाएंगे और मॉडुलस ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट अभी हाल छोड़ देंगे अभी, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड में एच, या ठीक है जी हो जाएगा, अब माइनस का जिस पॉइंट पर देखना है एक्स जीरो, जी हमने ले लिया, अब इसको हमें क्या दिखाना है, लगभग जीरो आ जाए तो हम कह देंगे कि ये उस साइड पक्षांतर करके कर देंगे दूसरी साइड, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा स्टेटमेंट। तो बस इसको हमें हल करना है, तो वन अपॉन एच है तो वन अपॉन एच कर देंगे, इसको अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स टू, यहाँ पर एक्स जीरो है, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस का एच एफ ऑफ टी डी टी इतना है, और हमें क्या है, और हमें क्या है हमारा इधर पे एफ ऑफ एक्स जीरो इतना आ जाएगा, ठीक मॉडुलस। अब यहाँ पर थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा हमें सोचना है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है, एक्स जीरो टू क्या है, एक्स जीरो प्लस का एच एफ ऑफ टी डी टी, अब यहाँ पर देखिए हमें वन अपॉन एच बनाना है, वन अपॉन एच बना लिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या, एक्स जीरो प्लस का एच, और यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो क्या है फिर डी टी। अब यहाँ पर आप देखिए हमने ये लिया, यदि एफ ऑफ एक्स जीरो तो ये बाहर कर लेंगे क्योंकि लिमिट समाकलन किससे हो रहा हमारा, टी के सापेक्ष हो रहा, तो इसको ये बाहर, अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या आएगा, एच आएगा, और एच से एच कट जाएगा, तो वही लिखा है ये जो लिखा था हमारा, ठीक है वही लिखा है जो हमारा लिखा हुआ था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि हम कॉमन कर लेंगे वन अपॉन एच इंटीग्रेशन एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस का एच, फिर यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा एफ ऑफ टी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो फिर डी टी इतना है, इतना आ जाएगा हमारा, ये आ गया, ठीक है इतना आ गया। तो हमारा जो इक्वेशंस थी हमारी ये थी, इसको हमने इक्वेशन बोल दिया कि ये हमारी इक्वेशंस क्या है, सेकंड इक्वेशंस है हमारा, ये इतना आ गया। अब आप देखिएगा हमारा क्या फंक्शन था, कॉन्टिन्यूस था, जब कॉन्टिन्यूस था ना आप क्या कर लेंगे, जब कॉन्टिन्यूस था तो डेफिनेशंस क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो का मॉडुलस क्या आना चाहिए, लेस एप्सिलॉन करेंगे। तो आप देखिए ये जो कंडीशन है वैसे ही बन रही है हमारी, कैसे बन रही है, वैसे ही बन रही, तो हम ये लेस एप्सिलॉन ये कह सकते हैं, इसको इक्वेशन यदि थर्ड कह दें, देन तब फॉर्म देख लेंगे सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से कह देंगे, लेकिन साथ में क्या कर लेंगे, जितना कर देंगे सेकंड और थर्ड से हम जी लेस एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें देखना है यदि कोई फंक्शन है हमारा, देन द वाई थ्योरम इस थ्योरम्स को देखिएगा, वो थ्योरम्स क्या कहती है, यदि हमारे पास ए से बी इंटीग्रल और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये दिया हो, और ये कंडीशंस इसमें क्या है, किसी फंक्शन पर बाउंडेड कर लेस एकल कर रहा है, मतलब फंक्शन जो है इसका मॉडुलस होगा लेस इक्वल यदि के यानी किसी इंटीजर से बाउंडेड हो, तब हमारी जो बनता है इसमें जो हमारी डेफिनेशंस बनती है के बी माइनस ए करके हमारी बनती है। तो अब देखिएगा हमारा के की स्थान पर यहाँ पर किसकी बात चल रही है, एच की, तो एच के लिए ठीक है। अब यहाँ पर बी माइनस ए हमारी लिमिट क्या है इसमें एक्स जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मॉड एच आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मॉड एच, और इसका मॉड अलग करेंगे तो मॉड एच इधर से, और जो वाई थ्योरम से इसका लेस एप्सिलॉन कर सकते हैं पूरे फंक्शन का, देयर एम्प्लाइज करके था क्या कह सकते हैं, इसमें यदि लगाएंगे डिवाइड में क्या देखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस का एच माइनस का कैपिटल एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड में एच माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो का मॉड, इसको मैंने बताया इसके अनुसार करेंगे तो क्या आ जाएगा लेस, ठीक आ जाएगा साइन, और यहाँ पर देखिए जी हमारा मॉड है तो अलग अलग मॉड करेंगे तो वन अपॉन एच मॉड इसका आ जाएगा, और हमने फंक्शन के लिए क्या एप्साइलन क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, और एक स्पेशल फंक्शन के लिए जो हमारा बन रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा मॉड एच,
मॉड एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा जी, एप्सिलॉन आ जाएगा। अब एप्सिलॉन क्या है, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो कि लगभग जीरो की इक्वल हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर चलो नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं, देन तब सेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंस चूंकि हम कह सकते हैं जो एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो है, एज क्या है, आर्बिट्री है, आर्बिट्री ठीक है, आर्बिट्री है कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है, देन तब वी गेट, जब आर्बिट्री कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं उसका मान जो है लगभग लगभग जीरो के इक्वल होगा, डिवाइड में एच माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, इसको लगभग क्या कह देंगे, जीरो। अब मॉडुलस हटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स जीरो प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड में एच बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स जीरो। अब इसकी हम लिमिट ले लेंगे तो हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा, टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एच माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड में एच, इसमें ले लेंगे एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो। अब स्टेटमेंट में हमें क्या दिखाना था, यही दिखाना था, तो क्या कह देंगे यही, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा जी, हमारा डेरिवेटिव बन गया, तो एफ डैश ऑफ किस पॉइंट पर, एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, और यहाँ पर तो लिमिट एच ही है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वही आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने जान जो हमारी सेकेंड और थर्ड थ्योरम थी, जिन्हें हम जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं कैलकुलस की, तो उनका हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट वीडियो में हमें फोर्थ एंड फिफ्थ थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे, फिर हमें इन थ्योरम्स पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन वाले बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, सबसे पहले मिले। ठीक फ्रेंड्स, खुश रहिए।